तो आज बना रहे हैं ज़ीरा राइस। ये बहुत ही खिले खिले बनेंगे। मैंने बासमती चावल नहीं लिए हैं क्योंकि वे ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। उसके पहले ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। मैं हूं निकिता आहूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बर्तन में मैंने एक चम्मच देसी घी ले लिया है। देसी घी में कुक करेंगे। इसमें साबुत काली मिर्च ऐड कर दें और ज़ीरा ऐड कर दें। एक एक चम्मच मैंने ले लिया है। इसे मिक्स कर दें। थोड़ा सा मिक्स होने के बाद इसमें सोक्ड राइस ऐड कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, बासमती नहीं है, ये नॉर्मल चावल है। इन्हें हमें लगभग 5 मिनट तक घी में ही भुनना है तो ही ये अच्छे बनेंगे। हल्के हाथों से चावल को मिलाएं एंड इसके बाद हमें ऐड करना है पानी। आप हल्के हाथों से मिलाएं, चावल टूटे ना। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर लिया है और 1.5 कप राइस लिया है। चावल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है पानी कितना ऐड होगा। तो ये चावल में जैसे एक उबाल आता है, इसमें आप नमक ऐड कर दें। मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, बीपी को कंट्रोल में रखता है ये। अच्छे से मिक्स कर इसे कवर कर दें और अगर पानी आपको थोड़ा सा कम लगता है तो खोलकर पानी ऐड कर दें और वापस से इसे ढक कर हमें 6 से 7 मिनट तक कुक करना है। ये चावल ऑलमोस्ट बनकर रेडी हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल दूंगी और सेम बर्तन में थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी। दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं लेकिन क्यों वेस्ट करना। इसमें ज़ीरा ऐड कर दें, धनिया पत्ती ऐड कर दें और इसे मिक्स कर दें। अब इसमें वापस से वही चावल हमें री ऐड करने हैं और एक अच्छा मिक्स देख कर रखना है ताकि पूरा कोटिंग अच्छे से हो जाए धनिया पत्ता और ज़ीरा का। ज़ीरा राइस बनकर रेडी है गर्मा गर्म। मैंने बासमती इसलिए कम नहीं लिए क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट कम रहता है, पॉलिश्ड ज़्यादा रहते हैं। डेली बेसिस में अगर आप नॉर्मल चावल खाएंगे रेगुलर बेसिस में तो ज़्यादा बेटर। एनीवेज, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर दाल के साथ खा रही हूँ, दाल बना रखी है, गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म चावल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फॉलो करें सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बाय, टेक केयर।